इसी कड़ी में अपने अगले वक्ता माननीय राज्यसभा सांसद प्रदीप भाई से निवेदन करूंगा कि वो पलायन चिंतन पर अपने विचार व्यक्त करें। मैं यहीं से बोल लूंगा, समर साथियों मित्रों, मंच में मेरे साथी कह, जब से राज बना है आउटसाइड का जो माइग्रेशन है वो थोड़ा थम गया है। इस समय तीन तरह का माइग्रेशन इस राज्य में है। आउटसाइड स्थित जो राज्य से बाहर हो रहा है वो लगभग अभी गृह विकास संस्थान के प्रोफेसर है एम सी मेहता, जी सी मेहता, उनका कहना कि 52% माइग्रेशन इस समय आउटसाइड स्टेट हो रहा है, जो राज्य से बाहर हो रहा है। दूसरा माइग्रेशन है कि राज्य के पर्वतीय हिस्सों से फूट हिल्स में मैदानी और बाबर के अंदर हो रहा है। और तीसरा माइग्रेशन है कि वो विद इन द डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, गांव से अपने जिला मुख्यालय के लिए हो रहा है। सवाल है किस तरह के माइग्रेशन को आप प्रोत्साहित करेंगे और किस तरह के माइग्रेशन को आप रोकने के बारे में सोचेंगे। जो लोग पलायन है, जिसका दर्द हम सब भोग रहे हैं, समझते हैं, उसमें जो फोर्स मजबूरी का जो पल है, गांव के अंदर अवसर नहीं है, गांव के अंदर की अर्थव्यवस्था लोगों का अपने परिवार को संचालन के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है, तो परिवार का एक व्यक्ति माइग्रेशन कर रहा है और एक व्यक्ति गांव के अंदर खेती के माध्यम से अपने जीविका के आधार को बढ़ा रहा है। एक समय जो था आज से 10-15 साल पहले की जो पीढ़ियां थी वो माइग्रेशन ऐसा था, जैसे मैं खुद देखता हूं, मेरे फादर गांव से चल के सरकारी सेवा में थे, आउटसाइड माइग्रेशन नहीं था, विद इन द स्टेट माइग्रेशन था। मैं अल्मोड़ा जिले के बागेश्वर जिले के गांव का रहने वाला, मैंने अपनी इंटरमीडिएट तक की परीक्षा कक्षा 2 से लेकर इंटरमीडिएट तक गढ़वाल में पढ़ाई की, डिग्री में पढ़ाई की, जोशी मठ में पढ़ाई। और जब मेरे फादर रिटायर हुए तो खुद अपने गांव में आकर बस गए। अब ये माइग्रेशन थम गया, जीवन का स्तर बढ़ गया है, सुविधाएं, आदमी अपने बच्चे अपने परिवार के माइग्रेट आखिर क्यों कर रहा है, नौकरी के लिए क्यों जाता है, कि परिवार का जीवन स्तर बढ़े, तो अब परिवार के साथ माइग्रेशन हो रहा है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। लेकिन असल है कि जब तक गांव के आदमी को हम गांव के अंदर अवसर न दें, आपके चाहने और मेरे न चाहने से लोग रुक नहीं सकता। एक है जो प्रवास में चले गए वो दूसरी समस्या है, उनका उनको आप चाहें, कुछ लोग आ जाएं, वो ज्यादा आ जाए, उनके पास अवसर है, पूंजी है, उसका लाभ यह राज्य लेना चाहे तो राज्य के उन लोगों को बुलाना चाहिए। चाइना आज दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था के रूप में आ रहा है। आज से 20 साल पहले चाइना को वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, तमाम तरह के यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन ने, किसी ने आर्थिक मदद नहीं है। सिर्फ जो चाइनीज आप प्रवासी थे जो विदेशों में थे उन्होंने उस पूंजी को चाइना में लगाना शुरू किया और उसके द्वारा चाइनीज इकोनॉमी का काया पलट हुआ, आज हमारे सामने दूसरी प्रश्न। तो मेरा ये कहना है कि हमको ये सोचना चाहिए, सबसे इस समय जो हम सोच रहे हैं, जो गांव में फोर्स प्लाइशन है, जो अपने रोजगार की अपने परिवार की के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो कैसे हम रोकें, क्योंकि खेती में भविष्य नहीं दिखता है। तो सबसे पहले अगर सिविल सोसाइटी के हमारे साथी लोग हैं, राजनीति के हमारे भी लोग हैं, मैं इसको किसी राजनीतिक क्रम में देखना नहीं चाहता, कि पहाड़ में पलायन को रोकने के लिए, पहाड़ की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए जिन्होंने इस राज्य के लिए संघर्ष किया, सबसे बड़े रोजगार का सोर्स आज भी खेती बाड़ी है। आज भी 70% खेती पर्वतीय क्षेत्र में खेती है, इसको जीवन का आधार कैसे बनाया जा सकता है, यह सवाल है। और बनाया जा सकता है, यहां पर अगर आप देखते होंगे देहरादून से लेकर पूरे पुराला घाटी में, और हमारे कुमाऊं से जो लोग हैं वो हल्द्वानी अगर आ जाए, आपके गर्म पानी से अगर रानीखेत की ओर जाए, गर्म पानी से अल्मोड़े की ओर आ जाए,
पदमपुरी की हो जाए, हमारी सबसे बड़ी इकोनॉमी यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में क्रैश क्रॉप जो होती है, ऐसे समय हमारा टमाटर होता है जब मैदानी क्षेत्रों में वो नहीं होती। कुछ प्रकृति ने हमको दी है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। हम अपने वहां की खेती को दुनिया में आज केमिकल खेती, दूसरी खेती से ज्यादा ऑर्गेनिक खेती का महत्व आ रहा है, तो अगर इस हो हम अपनी खेती को, किसानी को जीवन के आधार का जीव बना सके, तो मैं समझता हूं उस ओर आगे बढ़ सकते। अभी कुछ समय पहले सरकार ने कोशिश भी की है कि जैसा हम कह रहे कि हम प्रवृत्ति जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप थी, मडुआ है, जोंगरा है, जिनको हमने छोड़ दिया था, आज दुनिया कह रही, जापान ने उत्तराखंड राज्य से समझौता किया था कि मडुए के अंदर प्रोटीन इतना है कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा काम आ सके। तो जो खेत से परंपरागत जो फसलें थे उनका मार्केट वैल्यू है, उस सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक है हमारे पास एग्रीकल्चर ये परंपरागत है, दूसरा हमारे पास क्रैश क्रॉप है जिसमें आलू है, अन्य तरह की है, तीसरा हमारे पास हॉर्टिकल्चर का आधार है। हिमाचल ने हॉर्टिकल्चर को लिया है, लेकिन उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर आगे नहीं बढ़ पाया, हमने अपनी एक मैपिंग नहीं की एग्रीकल्चर। तीसरी एग्रो बेस इंडस्ट्री, हमारा पशुधन भी बहुत है। अक्सर लोग समझते हैं कि हम अपनी खेती से कि आपने जो हमारे जानवर है एक किलो दो किलो दूध देते हैं, इसकी हमारी आमदनी क्या। एक बार हमने रिसर्च की, इकोनॉमी दूसरी चीज है, जब गांव के अंदर देखे तब पता चला कि 40% अगर हमारी आय हमारे अनाज से होती है तो लगभग 40% हमारे इसी पशुधन से भी होती है। वो कैसे, अगर गांव के अंदर आदमी अपना दूध बाजार से खरीद के खरीदेगा तब पता चलेगा कि वो भी एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जब हम किसी चीज को बाजार से खरीदते हैं तब समझते हैं कि हम खर्च करें, जब वही चीज घर में होती है हम समझते हैं खर्च नहीं कर रहे हैं। और इसका इकोनॉमिक है, ये भी बड़ा सोर्स है। तो दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखे, उन्होंने पशुधन का बहुत अच्छा उपयोग किया है। तो यहां पर खेती, यहां पर क्रैश क्रॉप में आपकी जो कैश क्रॉप में है, और हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर, अगर इन तीनों को आयाम को जोड़े तो ये हम समझते हैं कि गांव के अंदर कुछ नया चीज की जाती है जिससे लोग हैं। तो एक तो खेती का पुनर्जीवन बहुत जरूरी चीज है जिससे आप चाहते हैं कि यहां पे पलायन को रोके। दूसरा है क्योंकि उसमें खुद जो उत्पादक है वही करता है, सरकारों को उसके संदर्भ में ज्ञान और विज्ञान का सहयोग देना। अभी तक पूरे हिमालयन स्टेट के संदर्भ में एक दो बार यहां इसी देहरादून के अंदर आज से 3-4 साल पहले पूरे हिमालयन स्टेट के कृषि वैज्ञानिकों की, वाटर साइंटिस्ट की, सबकी एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कि कैसे हिमालय की खेती को सस्टेनेबल बनाया जा सके। और उसके बाद अगली यहां पर हिमालय राज्यों की एग्रीकल्चर मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो किसी कारणवश नहीं हो पाई। मैं जब लोकसभा का सदस्य था तब भी हमने मांग की थी कि भारत सरकार को हिमालय राज्यों की खेती के लिए, जो पर्वतीय खेती को कैसे सस्टेनेबल किया जा सके, कैसे आज के आधुनिक में उसका विकास किया जा सके, उसके संदर्भ में कोशिश करनी चाहिए। और मैं समझता हूं आज भी वो आवश्यकता है कि विज्ञान और खेत के, किसान और विज्ञान के लोगों को कैसे जोड़ा जा सके, जो हमारे कृषि को अगर जीवन मिल जाएगा तो पलायन को रोका। तो एक तो इस पलायन के क्षेत्र में कृषि बड़ी आधार बन सकती है जिससे कि फोर्स पलायन को रोका जा सके। दूसरा है पर्यटन के संदर्भ में भी, आपने कहा पर्यटन के संदर्भ में भी एक बहुत बड़ा रोजगार के साधन बन सकते, लेकिन पर्यटन किस किस तरह का पर्यटन, एक है धार्मिक पर्यटन, दूसरा प्रकृति का पर्यटन, हमारे पास नेचुरल बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, तीसरा है हमारी नदियां हैं, हमारे सुंदर जंगल है। लेकिन यहां पर हम सब लोगों को एक बात सोचना पड़ेगा, हम चाहते थे कि लोग भी आ जाएं और हम इस नेचुरल रिसोर्स का बिना किसी उसके सब कुछ आज ही दोहन कर लेना चाहते हैं। मैं सुन रहा था, मैं हमारे मित्रों की बहुत सी बातें भी कि आज जंगली जानवरों ने हमारी खेत तक हमला कर दिया है। मैं जब यहां पर जैसी आया था तो उधर आ रहा था, एक हमारे मित्र कह रहे थे
कि ह्यूमन सोसाइटी में इंसान बड़ा समझदार है, जानवर ज्यादा नहीं है। ये हम ही लोग हैं, हमने अपने आप को समझदार बना दिया है, जानवर को हम समझदार नहीं मानते। यही कॉन्फ्लिक्ट है। हम सोच रहे कि बाघ ने, हम सोचते कि व्हाइट लाइट ने हमारे खेत पर आ गई। अरे किसके घर पर किसने पहले हमला किया, क्या कभी सोचा आपने? आज बंदर हमारे घर तक आ रहा है, आज टाइगर हमारे घर तक आ रहा है, आज वाइल्ड लाइफ हमारे घर तक आ रही है। सबसे पहले हमने उनके घर पर हमला किया था ना, उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, उनके परिवेश को खत्म कर दिया था। जब उनका परिवेश नहीं हुआ, अब वो जो हमारे घर में आने लगे, हमको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमारा नहीं है, उत्तराखंड का नहीं, पूरे देश और दुनिया का कॉन्फ्लिक्ट है कि इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझता है, जानवर को समझता है कि वो समझदार नहीं है। एक दिन में एक ऐसी आजकल सोशल लाइफ फेसबुक में बड़ी बड़ी चीज आती है, एक हाथियों का झुंड था और इसमें एक छोटा हाथी का बच्चा किसी उसमें फंस गया था, और मैंने देखा कि किस तरह से सारे हाथियों ने प्रयास किया और अंत में उस बच्चे को वहां से निकाल लिया। तब मैं सोच रहा था हम तो अपने आप को विद्वान समझते हैं, इन हाथियों से हम सीख लें, तमाम जानवरों से। तो ये वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, इसके संदर्भ में भी हम सबको अगर मानव समाज को जिंदा रखना है तो वाइल्ड लाइफ के समाज को भी जिंदा रखना पड़ेगा। यहां पर तमाम जो हमने नेशनल पार्क बनाए हैं, इको सेंसिटिव जोन बनाए हैं, हम समझते हैं एनजीटी बनाए हैं, अरे क्यों ऐसा समझते हो कि मुर्गी के सारे अंडे आज ही हम ले लें? हम धरोहर में ह्यूमन सोसाइटी को जो अपने आप को ज्यादा समझदार समझती है, हम नहीं आज के, हम अगली वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ जाना चाहते हैं, क्या इसके बारे में हम सोचते हैं? क्या हमें ये जो नदियां जो बहती हैं, अगर आप हरिद्वार से नीचे चले जाए गंगा, किसी दिल्ली के बच्चे से पूछे यमुना नदी है क्या या गार गधेरा है? आज अपनी अपनी नदियों को कोई डैम में डुबाना चाह देता है, कोई टनलों में डाल देना चाहते हैं। आखिर इस प्रदेश के अंदर ये नेचुरल रिसोर्स रहेगा नहीं तो कौन इस प्रदेश में आने वाला है? तो हमको, मैं समझता हूं रतन जी, कि हमको इस सिस्टम को भी समझना पड़ेगा।